जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे आज के ECS T10 के अगले मुकाबले की, जो कि PKR और CRC के बीच खेला जाएगा। मैच में 4 घंटे 40 मिनट बाकी है दोस्तों, 1 बजे मैच का टाइमिंग है, यानी कि देखा जाए ना आपके पास काफ़ी टाइम है। वीडियो देख के ना जल्दी से अपनी टीम बना लो और कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को कोई भी स्किप करके मत जाना, 8 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर तो जीतना है तो वीडियो को पूरा देखना, सारा कुछ आपको वीडियो पे मिलेगा, ठीक है। बट उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले ना यहाँ पे जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक वगैरह करते रहते हो ना, कमेंट्स वगैरह करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें, है ना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है ना, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि जब भी हमारी कोई प्राइम वीडियो अपलोड होगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, है ना। और अब तो T10 की जितनी भी वीडियोस होती है उसी के अंदर आपको फाइनल टीम भी मिलती है, है ना। तो दोस्तों ज्वाइन करना तो बनता है ना, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है यार, 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दोस्तों टाइटल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का लिंक है, ये भी बिल्कुल फ्री है। आप लोग सोचते होंगे कि ज्वाइन करने के लिए पैसा लगेगा, है ना, तो ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। जिस टीम के साथ मैं खेलूँगा ना, वही टीम आपको मिलेगी, कोई अदर टीम नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, बाकी PKR ओपन करेंगे, स्कोर कार्ड पर चलेंगे और वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि मेरी टीम दोस्तों कहर मचाती है। PKR की अगर बात करें सो आमिर नईम जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, है ना। इसके बाद एक बढ़िया ऑप्शन जो कि है रफुल्ला का, 89 किए थे दोस्तों, क्या बात है, है ना। कैलाश है, इसके बाद जिशान आरिफ है, नवीद सादिक है, सो टीम भी साथ में बनेगी ना। क्रिएट टीम पे चलेंगे, सबसे पहले तो फिल्टर लगाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नईम जो कि दोस्तों ओपनिंग पे आएंगे प्लस विकेट कीपिंग करेंगे, ओवरऑल्स बंदे के पॉइंट्स देखें अगर ठीक ठाक है यार, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद रहुल्ला अगर तो देखें कहाँ पे हैं, नज़र नहीं आ रहे दोस्तों मुझे, यही है ना, जी हाँ दोस्तों यही है। ये देखिए क्या कमाल के पॉइंट्स देके आ रहा यार बंदा, CVC के लिए एक बढ़िया चॉइस है। कैलाश की अगर बात करी जाए तो कैलाश कहाँ पे है, ये पढ़े ना ओवरऑल स्टैट्स, इनकी तो बैटिंग भी कभी कंफर्म नहीं रहती है ना। थर्ड लास्ट गेम में ना इनको काफ़ी नीचे भेजा गया था, थोड़े से रिस्की रहेंगे। आरिफ एक बढ़िया नाम है, आरिफ जो कि हमेशा टॉप पे ही बैटिंग करते आपको नज़र आएंगे। ये देखिए आरिफ को दोस्तों GL में, एक टीम की GL में ना कैप्टन बना के चलना। इसके अलावा नवीन सादिक, ये बंदा भी बढ़िया था यार, देखें ज़रा पॉइंट्स। नहीं नहीं यार, जनता ने काफ़ी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी रख लें, स्टैट्स उतने कुछ खास नहीं है, देखेंगे आगे, अगर तो ज़रूरत पड़ी तो ले भी सकते हैं, अभी के लिए नहीं। एक बार इनकी बॉलिंग अगर देखें, सो आरिफ हमारी टीम में है, रहुल्ला हमारी टीम में जो कि लास्ट के गेम में 2 विकेट्स निकालते, शिनवारी का अगर देखें ना तो ओवरऑल इनके स्टैट्स, नहीं 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 यार खास नहीं है। नवीद सादिक उनको तो हमने लिया हुआ है ना, नहीं लिया, कहाँ पे है, ये दोस्तों यानी कि बॉलिंग से कुछ बढ़िया कर सकते, क्योंकि स्पेल पूरा कर रहे हैं अपना,
रख सकते हो दोस्तों, है ना। बॉलिंग से तो उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे अपना बैटिंग से, बॉलिंग से अगर कुछ कर जाए तब इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अपना क्या नाम है दोस्तों इनका, नसेरी, देखे ज़रा ये पढ़े ना, ओवर्स पूरे करेंगे दोस्तों, इनको चांस दिया जाएगा, ठीक है ये मान के चलो आप, इनको चांस दिया जाएगा। अब एक प्लेयर और, अब वो कौन हो सकता है, माइंड लगाइए, काफ़ी सारे प्लेयर हैं आपके सामने। अब एक जो प्लेयर है ना, एक तो सिकंदर करके कोई था जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराएगा, जे सिकंदर, देखें ज़रा इनके स्टैट्स कहाँ पे हैं, ये पढ़े ना, जमान सिकंदर, इनको ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ये हालांकि रिस्की है लेकिन इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हो आप, इनकी जगह अगर नहीं करना तो शिनवारी को ट्राई कर लेना, ठीक है ये आपके लिए बढ़िया। तो छह इंपॉर्टेंट प्लेयर पीकेआर के साइड से, ठीक है ज़रूरत पड़ी तो एक आधा प्लेयर मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि सीआरसी के साइड से काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। अगर तो देखें बिलाल है आई थिंक, ये बशीर है, कोई बात नहीं दोस्तों देखें ज़रा इनके भी स्टैट्स। तो सीआरसी की अगर बात करी जाए ना, कहाँ पे इनका मैच, ये है ये मैच तो अबॉन्डेड हो गया था, पिछला गेम अगर देखें, दो तीन मिनट की वीडियो और बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखो बिलाल जो कि टीम के कैप्टन है, कहाँ पे हैं, ये बंदा लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है पॉइंट्स बढ़िया देखे जाते हैं ओवरऑल। समो गोल की अगर बात करी जाए, कहाँ पे हैं ये पढ़े ना, नहीं नहीं दोस्तों उतने भी खास ऑप्शन नहीं है। जावेद जदरान, ये बंदा तो लिया जाएगा यार, कहाँ पे हैं ये दोस्तों, ये लिए जाएंगे। और आपको बता दूँ ये ऑप्शन जो है ना सीवीसी के लिए बढ़िया रहने वाला है। बी खान, बशीर खान इम्पॉर्टेंट क्यों है, अभी तो इनका बैटिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बट दोस्तों ये टॉप पे बंदा बैटिंग कराएगा ये देखना आप, अगर तो ये बशीर खान है तो जी हाँ दोस्तों ये बंदा टॉप पे बैटिंग कराएगा। ये देखिए इसका रिज़ल्ट, ठीक है अब दो प्लेयर हमें लेने हैं जो कि बॉलिंग से, एक तो वकार होते हैं ना, देखे ज़रा वकार के स्टैट्स, क्योंकि बंदा कभी कभी बैटिंग में भी आ जाता है ऊपर, क्या बात है दोस्तों मिल गया हमें। अब बॉलिंग ओपन करें, सो वकार हमने लिए, बिलाल लिए, जावेद जदरान लिए, है ना, एक हमदर्द करके कोई है, ये बंदा भी बढ़िया है, देखें ज़रा नहीं नहीं दोस्तों रिस्की है। बाकी समा गोल हमने लिया, शफीक शफी खेलेंगे तब तो दोस्तों, इनके तो खेलने के ही चांस लोर लग रहे हैं मुझे। तो एक प्लेयर कौन हो सकता है, फिर तो आपके विकेट कीपर ही हो जाएंगे दोस्तों, इनके साथ बशीर, इनके साथ आप जा सकते हो आराम से, ठीक है बाकी कोई खास ऑप्शन मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है। अली खेल जो कि बॉलिंग, इनका नाम तो है बट ये बॉलिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे इस वाले गेम में, से एक चेंज आप कर सकते हो अगर तो उनका नाम आता है ना, तो बिल्कुल आप अपनी टीम में उनको शामिल कर सकते हो। ये देखिए एन मिराखेल, ठीक है सो विकेट कीपिंग में इनको निकाल के ये आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, है ना क्योंकि बंदा बॉलिंग कराएगा। तो एक चेंज दोस्तों अपने लेवल पे करना, बाकी सारा कुछ फाइनल जो होगा ना
वो आपको हमारे टेलीग्राम पे दिया जाएगा। बिलाल सीवीसी के लिए बढ़िया चॉइस क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब चलेंगे ना तो वन साइडेड विन करा के जाएंगे। इसके अलावा राहुल्ला की अगर बात करी जाए तो मेरे कैप्टन तो यही बनने वाले हैं, और पीसी में मुझे थोड़ा सा डाउट है ना। जावेद को भी मैं बना सकता हूँ दोस्तों, ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ये देखिए मेरे सी और पीसी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो है ना। बिलाल, इनका क्या नाम है दोस्तों, बिलाल या बशीर, जो भी नाम है इनको आप बना सकते हो। देखें ज़रा क्या नाम है इनका, बिलाल दोस्तों, इनको आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनता ने बना रही है तो कोई अपना कुछ तो रीज़न है ना, इसलिए जनता, आधी से ज़्यादा जनता इनको बना रही है। ये देखिए टीम आपके सामने है, ठीक है। बाकी दोस्तों जीएल की टीम, और अगर तो हो सके कोई चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे आपको मिलेगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको। बाकी मेरी फाइनल टीम यही रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो भी चैनल से नहीं जुड़े चैनल से भी जल्दी जुड़ जाना। धन्यवाद।